खरगोन जिले में कोरोना महामारी के चलते कॉलेज के एग्जाम में विद्यार्थी घर से पर्चा हल करके उत्तर पुस्तिका जमा कराने कॉलेज पहुंचे, जहां छात्र छात्राओं की लंबी चौड़ी कतार देखने को मिली। इस दौरान बाहर से आए छात्रों ने पीड़ा व्यक्त करते हुए बताया कि सुबह से बिना खाए पिए घर से निकले हैं और बसों के अभाव में रात में घर पहुँचेंगे। वहीं कॉलेज के प्राध्यापक ने बताया कि हजारों की तादाद में विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका दी गई है और एक साथ जमा करने के लिए आए छात्रों के कारण भीड़ इकट्ठी हो गई। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। परीक्षा में मतलब 3 दिन लिखने के लिए दिए हमको और एक दिन जमा करने के लिए दिया आज, और बहुत परेशानी आ रही। ठंडे में यहाँ पर लाइन बहुत सारी लगी है जिससे बच्चों को बहुत परेशानी, आने जाने में दिक्कत हो रही है। अच्छा, कितने दिन का समय दिया था जमा करने का? एक दिन दिया आज का, लास्ट है। लास्ट है, दो दिन और दिए थे ना पिछली बार भी, तो लोगों ने जमा करे थे। पिछले 2 दिन से लोग जमा कर रहे हैं। हाँ, अगली बार 2-3 दिन दिए थे, आज एक ही दिन दिया है। क्या नाम है आपका? रूपाली वर्मा। आज बी ए फाइनल ईयर की जो ओपन बुक एग्ज़ाम हो रही है उसके तहत बच्चों की कापियां जमा हो रही है, जो विश्वविद्यालय जाएगी और जांच होगी, इसी के आधार पर इनका रिजल्ट बनना है। इसलिए यहाँ भीड़ लगी है। बी ए फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं जो अपनी परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएँ जमा करने के लिए इस महाविद्यालय में आए। लगभग कितने छात्राएँ? लगभग 1200 से 1500 छात्र बीए फाइनल ईयर में छात्र और छात्राएं रहेंगे, प्राइवेट और रेगुलर के। अरे, आखिरी तारीख है? हाँ, आज लास्ट डेट है। पिछले 2 दिनों से तो बच्चे आ नहीं रहे थे, पर हमारे एक ही नीत है कि व्यक्ति जब लास्ट टाइम आता जब आता, और आज इन्होंने अचानक आके एक साथ आके हम भीड़ लगा दी। क्या नाम है आपका? मैं प्रोफेसर संजय कोचर, MHW विभाग, PG कॉलेज। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।